Hi students, good morning, good afternoon and good evening all of you. Myself Pankaj Pandey from Meerkat Placement Cell. Today I am telling about any BSc students can be an engineer. यानी आज का मेरा सबसे अच्छा टॉपिक है बीएससी स्टूडेंट के लिए. एक बीएससी का स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि वो इंजीनियर नहीं बन सकता है तो वो कैसे इंजीनियर बन सकता है ये देखने का. कोई भी बीएससी कर रहा बंदा है, बीएससी का स्टूडेंट है, तो इसका मतलब है कि अब उसके पास भी अपॉर्चुनिटी है इंजीनियर बनने की. यानी अब वो भी इंजीनियर बनेगा. मेरा टॉपिक देखो है हाउ बीएससी स्टूडेंट कैन बी अ इंजीनियर. मतलब कि मैं एक बीएससी का बंदा कैसे इंजीनियर बनेगा, इस चीज को देखने की बात है. ध्यान से देखना सभी बंदे, अगर यदि बीएससी कर रहे हो तो इससे बहुत कंसंट्रेट हो करके सुनना. मतलब कि ये कहने का है कि यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं मौका पा सकते हो, पा रहे हो, तो आप अब इंजीनियर बनोगे. यानी जैसे बीटेक और बीसीए के स्टूडेंट, एमसीए के स्टूडेंट इंजीनियर बनते हैं, अब बीएससी का स्टूडेंट भी इंजीनियर बनेगा. और सैलरी, फायदा क्या होगा, इन सब के बारे में आज हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना. और इस वीडियो पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन दबाना, जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आए वो वीडियो जो है आपको मिलती रहे. सबसे पहले टॉपिक से मैं आपको बताऊंगा मीनकैट पीसी क्या है. मीनकैट पीसी सभी इंजीनियर, सभी स्टूडेंट को इंजीनियर बनने के लिए प्रिपरेशन कराता है और सभी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करता है. तो आज हम बीएससी के स्टूडेंट कैसे इंजीनियर बनेंगे इस बात को देखने जा रहे हैं. ध्यान से देखना, यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप टीसीएस, विप्रो और टीसीएस जैसी कंपनी में इंजीनियर बन सकेंगे. देखो मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो विप्रो और टीसीएस में इंजीनियर बनेंगे. जो कंपनी विप्रो और टीसीएस जो है, विप्रो एंड टीसीएस इंडिया की मानी जानी कंपनियों में से एक कंपनी मानी जाती है. यदि बीएससी कर रहे हो विप्रो में प्लेसमेंट, विप्रो में इंजीनियर बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे. यदि विप्रो में आपको इंजीनियर बनना है तो विप्रो बिल्प का एग्जाम देना होगा. विप्रो बिल्प का एग्जाम हर जगह होता है. विदाउट एग्जाम के यदि कहीं इंजीनियर बन रहे हो तो इसका मतलब है कि वो परमानेंट नहीं है, उससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है. यदि आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट इंजीनियर या किसी भी आईटी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको एग्जाम देना ही होगा. ठीक है, आज हम देखेंगे कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं विप्रो बिल्प में क्या पाओगे. यदि विप्रो बिल्प का एग्जाम आप देते हो तो देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए. आप बीएससी सीएस से कर रहे हो या बीएससी आईटी से कर रहे हो या बीएससी स्टैटिक्स से कर रहे हो या बीएससी मैथ से हो या फिर फिजिक्स से हो, तभी आप यहाँ पर इंजीनियर बन सकते हो. अदरवाइज नहीं. जैसे केमिस्ट्री एंड बायो एंड अदर ब्रांचेस कैन नॉट गेट द प्लेसमेंट इन विप्रो. वे बच्चे विप्रो में प्लेसमेंट नहीं पाएंगे. आप इन्हीं ब्रांचेस से हैं तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं. यदि आप इस एग्जाम को देते हैं और इस एग्जाम को देने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, लगभग अप्रॉक्सीमेट 2.5 लाख का पैकेज, 2.5 लाख सैलरी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी. यानी बीएससी के बाद से आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा. और साथ में विप्रो टेक्नोलॉजी आपको 4 ईयर का एमटेक प्रोवाइड कराएगा. एमटेक डिग्री, सोचो बीटेक एमटेक बड़ी डिग्री प्रोवाइड कराएगा. बीएससी से हो तब भी 4 साल का बीटेक प्रोवाइड कराएगा, वो भी स्पॉन्सर्ड बीटेक होगा, फ्री का होगा, आपको एक भी पैसे नहीं देने हैं. बीटेक टोटली फ्री होगा, सॉरी एमटेक टोटली फ्री होगा. और कहाँ से होगा, ध्यान से देखना, ये एमटेक आपको बिट्स पिलानी से मिलेगा. बिट्स पिलानी या फिर आपको बीआईटी से मिलेगा, बिल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. दोनों यूनिवर्सिटियां इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में से एक, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है. जो इनकी फीस होगी, यानी कि जो 4 साल एमटेक का फीस होगा, वो फीस आपको अपने घर से नहीं देना है, वो फीस आपका विप्रो सबमिट करेगा, विप्रो जाने. बट आपको सैलरी भी 2.5 लाख की सैलरी भी हर साल देगा.
अप्रॉक्सीमेट 4 साल में 2.5 लाख का पैकेज भी आपको मिलेगा। और साथ में क्या होगा, जब आप एमटेक यहां से कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको 6 लाख से लेकर के 6.5 लाख की सैलरी देने लगेगा और आपका डिजिनेशन, आपका पोस्ट जो होगा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई अच्छा इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह कुछ भी होगा। इस चीज को देखना, बीएससी के पास कितना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सोचो बीएससी के जस्ट बाद सैलरी, पढ़ाई फ्री का, अब पढ़ाई खत्म होते ही कितना अच्छा पैकेज। यदि आप टीसीएस में, अदर वे टीसीएस में प्लेसमेंट चाहते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अच्छी कंपनियों में से एक है, टीसीएस में यदि प्लेसमेंट चाहते हैं तो टीसीएस एनक्यूटी यानी इग्नाइट का एग्जाम देंगे। और टीसीएस एनक्यूटी इग्नाइट का एग्जाम कौन दे सकता है, वही बीएससी का बंदा दे सकता है जो सीएसआईटी स्टैटिक्स मैथ और फिजिक्स से बीएससी कर रहा हो। और आप जो है टीसीएस का एग्जाम देते हैं, टीसीएस आपको फेम 2.2 लाख की सैलरी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और साथ में आपको 3 ईयर का एमसीए डिग्री भी प्रोवाइड कराएगा। और जो एमसीए डिग्री क्या होगा, शास्त्रा यूनिवर्सिटी से होगा, शास्त्रा यूनिवर्सिटी से होगा। और ये एमसीए की जो फीस है वो फ्री होगी, आपको अपने पास से, अपने घर से नहीं देना है, यानी कि आप अपने फादर का पैसा नहीं लगाएंगे, टीसीएस इसको खुद देगी। और जैसे आपका एमसीए खत्म होगा वैसे टीसीएस आपको 5.5 लाख का पैकेज प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। 5.5 लाख का पैकेज, 5 से 5.5 लाख का पैकेज तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। अब सोचो कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि बीएससी कर रहे हो, बीएससी के जस्ट बाद सैलरी और पढ़ाई दोनों फ्री, ठीक है। ये एग्जाम विप्रो का, विल्प और टीसीएस का एनक्यूटी इग्नाइट कैसे दोगे, ये चीजें मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ यही समझे, यदि बीएससी कर रहे हैं तो अब आप इंजीनियर बन सकते हैं, यदि आप बीएससी के अच्छे स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इस चीज को ध्यान से देखें, इसका एग्जाम दें और आप इंजीनियर बने। विप्रो विल्प और टीसीएस इग्नाइट एनक्यूटी की तैयारी मेनकेट पीसी कराता है, ठीक है, मेनकेट पीसी इसकी तैयारी भी कराता है। आप सभी जब बीएससी कर रहे हो तो सभी बंदों को जो इन ब्रांच के हैं सभी को कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ डेटा स्ट्रक्चर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों में बहुत ज्यादा यूजफुल है। यदि आपका कोई क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका क्वेरी जो है सॉल्व किया जाएगा या